हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल निषाद आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी फील्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुपर ट्रिक का पार्ट 16, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक को। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिया हुआ है, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक फल विक्रेता ने 15 रुपये की 6 की दर से केले खरीद कर 12 रुपये में 4 की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन गिवेन है। तो आप देखिएगा 15 रुपये में क्या करता है, 15 रुपये में कितना केले खरीदता है, 6। ठीक है, और बेचता कितना है, 12 रुपये में 4 की दर से। ओके, पहले तो ये खरीदा है दोस्तों, यहाँ पे ये उसका खरीद मूल्य है और ये बेचा हुआ। अब आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट लगाना है, जो वस्तु को पहले खरीदा जाता है उसके बाद में बेचा जाता है। ठीक है, तो 15 को हमने सर्किल इसलिए किया है यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे खरीदा है, पहले खरीद मूल्य निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले खरीद मूल्य निकालेंगे, 15 गुणा 4 करेंगे क्रॉस मल्टीपल, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 चौको 60। ठीक है, अब 12 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे लिखेंगे बेचा हुआ मूल्य, 12 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है, ये खरीदा हुआ मूल्य है और ये बेचा हुआ मूल्य है। ठीक है, आप बताइए यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 12 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने के ऊपर हो रहा है, 60 के ऊपर। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करेंगे, ये कितनी बार कटेगा, 12 5 60, तो 5 बार कटेगा। अब 100 को काटेंगे 5 से तो ये कटेगा दोस्तों 20 बार, तो आंसर कितना बनेगा, 20% जो कि हमारा प्रॉफिट आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आंसर है दोस्तों, इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक लॉस वाला, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक दुकानदार, ठीक है, एक दुकानदार 5 रुपये में 4 की दर से पेन खरीद कर 4 रुपये में 5 की दर से पेन बेचे, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें गिवन है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले 5 रुपये में कितना पेन खरीद रहा है, वो 4, ये पेन है। ठीक है, 4 पेन 5 रुपये में 4 की दर से पेन खरीद रहा है, तो बेच कितना रहा है, 4 रुपये में 5 की दर से बेच रहा है। ठीक है, इसका अपोजिट है, ये इसने खरीदा है, ये खरीदा हुआ मूल है और ये बेचा हुआ मूल है, आपको इसको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, सर्किल लगा के आप क्रॉस मल्टीपल कर लीजिएगा, इस प्रकार से 5 गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, इसके बाद में 4 गुणा 4 करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे 16, ये इसने खरीदा है 25 रुपये में, बेचा 16 रुपये में, तो कितने का लॉस हो रहा है, यहाँ पे 9 रुपये का लॉस हो रहा है, वो भी कितने के ऊपर, 25 के ऊपर। परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करेंगे, राइट। अब इससे ये काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। ठीक है, 9 गुणा 4 करेंगे तो कितना बनेगा, परसेंटेज यहाँ पे 36%। ठीक है, जो कि लॉस होगा दोस्तों, यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको जरूर समझ में आई होगी, अगर आपको ट्रिक समझ में आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगली ट्रिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।